आज हम चर्चा करेंगे मृदीय कारक अर्थात एडैफिक फैक्टर्स पर। तो समझते हैं मृदीय कारक क्या है। सभी पौधे मृदा से जल एवं खाद्य पदार्थ लेते हैं। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव भी पौधों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी की चट्टानों के अपक्षय से बनने वाली ऊपरी परत को ही मृदा कहा जाता है। मृदा में मुख्य रूप से खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, ह्यूमस, मृदा वायु तथा मृदा जीव मिलते हैं। मृदा का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पीडोलॉजी अर्थात मृदा विज्ञान कहा जाता है। अब समझेंगे पीडोजेनेसिस अर्थात मृदा जनन या मृदा का निर्माण, इसे हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल भी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में या कणों में टूट जाती हैं। इस दौरान अनेक भौतिक और रासायनिक क्रियाएँ होती रहती हैं, जल अपघटन, जलयोजन, ऑक्सीकरण अपचयन, कार्बोनेशन आदि की क्रियाओं के द्वारा चट्टान अपने छोटे और सूक्ष्मतम रूप में टूट जाती है। लाइकेन तथा जीवाणुओं के निरंतर अपक्षय के कारण चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े और भी महीन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कार्बनिक अम्ल, CO2 आदि का निर्माण होता है। जीवों की मृत्यु के बाद कार्बनिक पदार्थों का संचय होने लगता है। इस प्रकार कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को ही मृदा कहते हैं, या इस प्रकार से मृदा का निर्माण हो जाता है और मृदा के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस या मृदा जनन कहा जाता है।